ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केसीसी बैंक के 100 वर्ष पूरे होने पर जून माह के दूसरे सप्ताह में धर्मशाला राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन करेगा, जिसमें सीएम जयराम ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस दौरान सीएम द्वारा बैंक के इतिहास को दर्शाती कॉफी टेबल बुक को लॉन्च करवाया जाएगा। वहीं बैंक द्वारा 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बैंक के इतिहास को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री भी तैयार करवाया रहा है। केसीसी बैंक के 100 वर्ष पूरे होने पर जून माह के दूसरे सप्ताह में धर्मशाला राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन करेगा, जिसमें सीएम जयराम ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस दौरान सीएम द्वारा बैंक के इतिहास को दर्शाती कॉफी टेबल बुक को लॉन्च करवाया जाएगा। वहीं बैंक द्वारा 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बैंक के इतिहास को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री भी तैयार करवा रहा है। ये निर्णय केसीसी बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैंक चेयरमैन डॉक्टर राजीव भारद्वाज की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया। बैंक चेयरमैन ने बताया कि बैंक के 100 वर्ष पूरे होने पर कई इवेंट्स आयोजित किए जाएंगे, जिसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ हजार रुपए से शुरू हुआ केसीसी बैंक वर्तमान में 18,000 करोड़ का बैंक बन चुका है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बैंक के लिए बेहतर कार्य करने वाले सेवानिवृत्त व कार्यरत कर्मियों को भी सम्मानित किया जाएगा। बैंक चेयरमैन ने कहा कि 100 वर्ष में बैंक द्वारा ग्राहकों के लिए भी विशेष छूट देने का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत बैंक अपने उपभोक्ताओं, हाउस वाहन व अन्य प्रकार के ऋण में विशेष छूट देगा। इसके अतिरिक्त इस दौरान इंटर बैंकिंग इवेंट्स करवाने का भी बैंक प्रबंधन ने निर्णय लिया है। ये केंद्रीय सहकारी बैंक जो है वह 100वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, तो उसके लिए हम लोग आज बैठ के बड़े विस्तार से हम लोगों ने चर्चा भी की है। इसके लिए अलग अलग कार्यक्रम, इवेंट्स, और हमने आज ये निर्णय किया कि जून के महीने में कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक अपने 100वें वर्ष की सेलिब्रेशन धर्मशाला में करेगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम को की शोभा भी बढ़ाएंगे, और एक हमारे बैंक की कॉफी टेबल बुक जो है, हमारे बैंक का 100 वर्ष का जो स्वर्णिम इतिहास है, उसकी कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण भी करेंगे, और उसके विषय में कई कार्यक्रम हमने करने का निर्णय लिया है, जिसमें इवेंट्स भी हैं, स्पोर्ट्स भी है। और हमने एक और निर्णय लिया है कि जो हमारे अधिकारी कर्मचारी इस बैंक को, जो कुछ हजार से शुरू हुआ था, जब इस बैंक की स्थापना हुई थी तो उसका जो पहला वो था डिपॉजिट, तो था उस बैंक का अपना जो डिपॉजिट रिजर्व फंड था वो कुछ हजार था, मुझे लगता है शायद 5-7-10 हजार के आसपास होगा, और आज ये बैंक 18,000 करोड़ का बैंक बन चुका है। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए जिन अधिकारियों ने, जिन कर्मचारियों ने अपनी खून पसीना बहाया है, अपना जी जान लगाई है, तो उनके लिए हमने निर्णय किया कि ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को भी सम्मानित किया जाए, चाहे वो सर्विस में हैं, चाहे वो आज रिटायर हो गए हैं। तो उस दृष्टि से हम लोगों ने बिना किसी भेदभाव के, वो जरूर नहीं कि किसी एक पार्टी विशेष के अध्यक्ष थे, लेकिन जिस भी पार्टी से वो संबंध रखते थे, सबने अपने कार्यकाल में कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयत्न किया है, तो मुझे लगा कि उनका भी मान सम्मान होना चाहिए। तो जब मैं अध्यक्ष बना तो सबसे पहला काम मैंने यही किया था कि केंद्रीय सहकारी बैंक की फोटो गैलरी, जो हमारे फाउंडर दो मेंबर्स थे, उनकी फोटो भी है, और आज तक जितने हमारे अध्यक्ष रहे हैं उन सब की फोटोज हमने वहां लगाई, और हम कोशिश करेंगे जब हमारा 100वां वर्ष हम जून में मनाने जा रहे हैं तो उसमें हम उन सबको बुलाएंगे भी, सम्मानित भी करेंगे।